अजानी वीडियो कॉल्स और सब बर्बाद। अननोन मैसेज लिंक्स और सब तबाह। क्योंकि ये कॉल्स मैसेज है एक जार। खतरनाक साया फरेबी माया। छीन लेंगी आपसे आपका सब कुछ। इज्जत रुतबा और पैसा। एक्सटॉर्शन का साया। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास मुहिम जागते रहो। जी हां, जागते रहो। हम आपको हर दिन की तरह जगाने आ गए हैं। तो स्क्रीन पर नंबर हमारे फ्लैश भी हो रहे हैं, आप इन नंबरों पर अपनी राय भी रख सकते हैं। लेकिन आज जिस खतरे से हम आपको जगाने आए, आप स्क्रीन पर चिपके रहिए, बैठ जाइए, रिमोट हटा कर रख दीजिएगा, चैनल चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि जो मुहिम आज हम दिखाने जा रहे हैं वो आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम आपको उस खतरे से आगाह करने आए हैं जो आपसे अनजाने में होता है, और इस गलती को छिपाने के लिए आप गलतियों पर गलती करने लगते हैं, और दूर बैठा अपराध का खिलाड़ी आपको अपने जाल में इस कदर फंसा लेता है कि आप बिन पानी मछली की तरह झटपटाने लगते हैं, और इस झटपटाट में आप कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिससे आपको नुकसान होता है, आर्थिक, मानसिक और कई बार खुदकुशी की नौबत आ जाती है, क्योंकि आप नए दौर के एक अपराध का शिकार बन जाते हैं जिसका नाम है सेक्सटॉर्शन। ये साइबर ठगों का बुना ऐसा जाल है जिसमें फंसकर लोग खुद ही अपनी गाड़ी कमाई लुटा देते हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में इसके मामले बढ़े हैं जिसमें आम और हाई प्रोफाइल लोगों को भी शिकार बनाया जाता है। युवा और बुजुर्ग सब इनका टारगेट होते हैं। सेक्सटॉर्शन के शिकारी कैसे जाल बिछाते हैं, लोग क्या गलतियां करते हैं जो भारी पड़ती है, सेक्सटॉर्शन के रैकेट से खुद को सेफ कैसे रखें, हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ आपको बता दें कि साइबर एक्सपर्ट और सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा वाकया सामने आया है या किसी करीबी के साथ सेक्सटॉर्शन हुई है तो हमें कॉल करें और अपनी राय साझा करें। लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिएगा। लेकिन आपको बता दें, स्क्रीन पर हमारे पीछे नंबर है, इस पर आप हमें अपनी कहानी, आपके साथ जो आप बीती है वो बता सकते हैं। अब रिपोर्ट देखिएगा। कभी गलती कभी अनजान लोगों से दोस्ती की चाहत लोगों को साइबर अपराधियों के जाल में फंसा रही है। सेक्सटॉर्शन, जिसके मामले एक साल पहले तक बेहद कम आते थे, लेकिन अब हर हाथ मोबाइल और इंटरनेट है तो साइबर ठग बड़े पैमाने पर लोगों को सेक्सटॉर्शन का शिकार बना रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सालों में सेक्सटॉर्शन की घटनाएं दोगुनी से ज्यादा बढ़ी हैं। सेक्सटॉर्शन में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। इसमें वियतनाम, ब्राजील और अर्जेंटीना टॉप 3 में है। साइबर ठग लोगों को ट्रैप करने के लिए उनके मोबाइल और मेल पर मैसेज भेजते हैं। दोस्ती के भेजे गए ये लिंक्स और मैसेज दरअसल दोस्ती नहीं बल्कि वसूली का जाल होते हैं। इन लिंक्स मैसेज पर जब आप क्लिक करते हैं तो खेल उसी दिन शुरू हो जाता है। पहले दोस्ती करके आपका भरोसा जीता जाता है और फिर धीरे धीरे आपसे आपका सब कुछ छीनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अमूमन इस अदृश्य नेटवर्क में दूसरी तरफ महिला होती है जो दोस्ती की आड़ में खेल शुरू करती है, एतबार जीत कर दिन रात की नींद छीन लेती है, क्योंकि दोस्ती में इस कदर उकसा दिया जाता है कि एक दिन हद टूट जाती है और उसे साइबर अपराधी रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर शुरू होता है धमकाने और बर्बाद करने का सिलसिला। यूपी के कानपुर में कंपटीशन की तैयारी करने वाले युवक को कुछ ऐसे ही ट्रैप किया गया। एक लड़की के डीपी वाले व्हाट्सएप नंबर से उसे फोन पर मैसेज आया। व्हाट्सएप चैट से शुरू हुई दोस्ती के झांसे में यह शख्स आ गया।
ये इस कदर आकर्षित हुआ कि मैसेज का सिलसिला वीडियो कॉल तक पहुंच गया और फिर शख्स ने हद पार कर दी। मेरे पास एक अननोन नंबर से मैसेज आया जो कि कोई लड़की थी, उससे मेरी बातचीत होती रही। करीब 2-3 दिन तक ऐसे ही बात होती रही। एक दिन अचानक से उससे वीडियो कॉल आ गई। वीडियो कॉल में मैंने भी रिसीव किया और मैंने भी बात की उनसे, लेकिन बात करते करते जो उसमें प्यार मोहब्बत की बात हुई। सेक्स टॉर्शन के साइबर अपराधी जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो दिन आ चुका था। फिर कानपुर के इस युवक को उसके मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग भेजने का सिलसिला शुरू हो गया। उसी व्हाट्सएप मैसेज से धमकियां आने लगी, वसूली की रकम मांगी जाने लगी। उसमें क्या हुआ कि कुछ बात होते होते अश्लील बातें भी हो गई, जिसका उन्होंने वीडियो शूट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड करने के बाद अब मुझसे पैसे की मांग की जा रही है, पैसे की मांग की जा रही है। इसकी शिकायत मैंने क्राइम ब्रांच में दर्ज करा दी है। सेक्सटॉर्शन की रकम देने के लिए युवक के व्हाट्सएप नंबर पर रोजाना मैसेज आने लगे और पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। वसूली की रकम ऑनलाइन जल्द से जल्द पे करने के लिए डराया गया, फाइनल अल्टीमेटम भी दिया गया। साइबर क्राइम के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इनमें भी हनी ट्रैप के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। लोगों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर उनसे वसूली की जा रही है। तमाम लोग इस वसूली का शिकार हो रहे हैं, जिनमें से कई लोग क्राइम ब्रांच तक पहुंचते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। युवक ने कानपुर के होने का हवाला दिया, लाख मुरव्वत की, लेकिन सेक्सटॉर्शन के अपराधी इतने बेरहम निकले कि उन्होंने उसकी कुछ पर्सनल तस्वीरें भेजकर जलील किया ताकि वो किसी भी तरह रकम ढीली करे। लेकिन युवक ने हार नहीं मानी और कानपुर साइबर सेल में इसकी शिकायत कर दी। होता यह है इसमें कि एक वीडियो कॉल आपको आती है अननोन नंबर से। जब आप वो वीडियो कॉल उठाते हैं तो आपके सामने कोई व्यक्ति नहीं, एक महिला जो अश्लील हरकतें करते हुए या अपने कपड़े उतारते हुए इस तरीके का काम करती है। तो कई बार उसमें लोग पहले तो समझ नहीं पाते, देखने में उसमें ये किस तरह की वीडियो है, उसको जब देखते हैं तो उनका भी, जैसा आप जानते हैं वीडियो कॉल करते हैं तो आपका भी चेहरा उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया को वो स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसमें वो अश्लील हरकत करते हुए जो वीडियो है उसके साथ आप उसको देखते हुए आपका भी चेहरा उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। सेक्सटॉर्शन के मामले ऐसे होते हैं जिसमें अक्सर लोग सिर्फ एक ट्रैप से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसे में वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का हवाला देकर मामला दर्ज नहीं कराते। ऐसे में पुलिस के लिए भी इन क्रिमिनल्स को पकड़ना मुश्किल होता है। खास बात यह है कि साइबर ठग इतने शातिर हैं कि वो जिस अकाउंट में पैसे मंगाते हैं उससे उनका सीधा कोई रिश्ता नहीं होता है। इसमें फिर जब हमने कई केसों में कार्रवाई की तो वो कार्य करने वाले बहुत बड़ा एक गिरोह निकलता है, जो अलग अलग जगहों से जो अकाउंट जिसमें दिए जाते हैं पैसे, जिसमें ट्रांसफ़र करने के हैं, वो अननोन लोगों के होते हैं। जब उन तक हम अकाउंट के माध्यम से पहुंचते हैं तो उनसे कहता है कि हमें तो 5,000 रुपये देकर के अकाउंट उसने खुलवाया था, कोई रेडी वाला है, कोई गरीब आदमी है, आधार कार्ड उनसे ले करके या उनका पूरा डेटा ले करके। इसमें जो एक्चुअल लोग हैं वो फंसते नहीं हैं या कानपुर पुलिस ने कोई ऐसा केस ट्रैक किया हो? बहुत सारे केसेस हमने ट्रैक किए, कई मुलजिमों को हमने झांसी से, दिल्ली से, राजस्थान से, कुछ ऐसे इलाके हैं स्पेसिफिक जहां के गैंग ऑपरेट कर रहे हैं राजस्थान में, तो जो पश्चिम यूपी का मथुरा और वहां का रीजन है और राजस्थान का जो बॉर्डर है उस एरिया के कुछ गैंग्स इसमें काम कर रहे हैं। हमने कई केसेस इसमें वर्कआउट किए हैं और लोगों को अरेस्ट करके जेल भी भेजा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सेक्सटॉर्शन के केसेस की संख्या पिछले कई दिनों से तेजी से बढ़ी है। इसकी बड़ी वजह जागरूकता की कमी और लोगों का लापरवाही भरा रवैया भी है। ऐसे में अगर इस अनजान खतरे से बचना है तो दूर रहना और सतर्कता बेहद जरूरी है। ब्यूरो इनपुट के साथ कानपुर से श्याम तिवारी की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने समझ लिया होगा कि आपके साथ किस तरह खेल होता है। दो तरीके से आपके साथ खेल होगा। कोई भी अनजान मैसेज आपसे आएगा, एक अनजान नंबर से आपको मीठी मीठी बातें होंगी, फिर बातें धीरे धीरे बढ़ जाएंगी, आप बहक जाएंगे, फिर आपका वीडियो बना लिया जाएगा। एक अचानक से आएगा आपको वीडियो कॉल, आप उठा लेंगे, हो सकता है कि सामने कोई फीमेल होगी और जो कहीं ना कहीं न्यूड आपको नजर आएगी और उसी वक्त आपका वीडियो बन जाता है। तो इससे आपको बेहद बचना है।